शी-हल्क का सेकेंड एपिसोड रिलीज हो चुका है और भाई लिटरली ये एपिसोड क्या था, इतने बोलोगे ये क्या था, इतने में तो एपिसोड खत्म हो जाएगा। तो भाई शी-हल्क का जो एपिसोड 2 था वो थोड़ा सा एवरेज टाइम से थोड़ा ज़्यादा ही छोटा था, यानी कि बहुत ही ज़्यादा छोटा था। लेकिन अगर हम बात करें इस एपिसोड में क्या दिखाया, तो भाई साहब इन्होंने इस एपिसोड में पूरी की पूरी स्टोरी सेट कर दी है। एपिसोड स्टार्ट होते ही इसमें दिखाता है कि जो शी-हल्क है उसको उसकी नौकरी से निकाल दिया है। क्यों? क्योंकि उसने कोर्ट में जो जूरी बैठते हैं, यानी कि जो फैसला सुनाते हैं, उनकी उसने जान बचाई थी, इसलिए उसको नौकरी से निकाल दिया गया है। लाइक लिटरली ये अच्छा बोलूँ मैं बुरा बोलूँ, अभी तक तो पहले एपिसोड में वो पहले बता रहे थे कि उसे सुपर हीरो बनने से मतलब नहीं है, लेकिन अभी जब उसने थोड़ा सा सुपर हीरो वाला काम किया तो उसको निकाल दिया है काम से। एंड देन फिर ऐसे ही एपिसोड आगे बढ़ता है बाकी उसको फिर, और बाद में एक और मिल जाता है लॉ में, तो वो बोलता है जब भी तू कोर्ट में आएगी तो हमेशा शी-हल्क बन के ही आई और नॉर्मल पर्सन बन के नहीं आना है। तो भाई इसी तरह से एपिसोड धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है। तो भाई एक सीन मुझे वहाँ पर थोड़ा सा लगा यार कि एमसीयू वालों ने लिटरली क्या दिखा दिया। पहले एपिसोड में मैंने इस बात का थोड़ा जिक्र नहीं किया था कि शी-हल्क जो है वो कैप्टन अमेरिका की बैग से बहुत ही ज़्यादा लव करती है, बहुत ही ज़्यादा वाला। तो भाई वो उसका वॉलपेपर उसने बना रखा है यार, लिटरली स्क्रीन पर लॉक स्क्रीन का जो मैसेज आता है पॉपअप का, तो वहाँ पे उसका यार वॉलपेपर है वहाँ पे उसका। और भाई देखो लिटरली सोचो यार, तुम लोग अपने फ़ोन के वॉलपेपर का कितनी बार देखते होंगे, अपने फ़ोन का वॉलपेपर कितनी बार। और उसने तो अपनी लॉक स्क्रीन ही वैसे बना रखी है। वैसे सच सच बताना किस किस आदमी का उसके मैसेज पर ना जा करके कैप्टन अमेरिका की बैग पर गया था। भाई मेरा तो लिटरली गया, सच बता रहा हूँ। और भाई अगर हम बात करें तो इस पर क्रिस इवेंस ने फर्स्ट एपिसोड जो आया था उस पर एक्शन दिया था उन्होंने इस पर। अब देखो इस पर आता है कि नहीं आता है। इसी तरह धीरे धीरे एपिसोड आगे बढ़ता है। एंड एपिसोड में जो आता है कि अब शी-हल्क को एक केस मिला है जिसके लिए वो यूएसए की सिक्योरिटी एजेंसी में जा रही है। और केस किसका मिला है? अबोमिनेशन का। हाँ भाई अबोमिनेशन का केस मिला और अबोमिनेशन उसे वहाँ पे बुला रहा है कि वो उसकी तरफ से केस लड़ेगी, ऐसे उसके लिए जाती है। और हाँ गाइस इस मूवी में अब आगे आप कहोगे कि शैंग-ची के अंदर अबोमिनेशन कैसे पहुँचा था। हाँ माना कि वो इतनी दूर यार, यूएसए की गवर्नमेंट ने इतना सारा अरबों खरबों रुपया खर्च करके एक प्रिजन बनाया जिसमें अबोमिनेशन बनता है, जहाँ पर हल्का सा भी येलो लाइन पे पैर रखा गया तो सारा धड़ा धड़ा बजने लगेगा। तो यहाँ से अबोमिनेशन निकल करके शैंग-ची के अंदर कैसे गया और उसने वहाँ पे कैसे तबाही मचाई। और मज़े की बात तो ये देखो यहाँ पे यूएसए की गवर्नमेंट को कुछ भी नहीं पता है। पता कैसे चला है कि उसके अंदर अबोमिनेशन था, तो किसी आदमी ने लोकली एक वीडियो बना के डाल दी और पता चल गया कि भाई यहाँ इसके अंदर अबोमिनेशन था। और भाई मज़े की एक और बात यह है कि अबोमिनेशन को वहाँ से ले जाने वाला कौन था? हमारा जगत गुरु डॉक्टर स्ट्रेंज का गुरु बोले कुछ भी बोले वोंग। तो भाई हर जगह यार वोंग को तो इस तरह से दिखा रहे जैसे भाई इसी की ये दुनिया, ये जहाँ मन करे जिसको मन करे ले जाता है। वोंग ही उसको लिटरली वहाँ जेल से लेके जाता है और वहाँ पे उसके शैंग-ची के पास लेके जाता है। तो पता नहीं क्या होगा आगे के एपिसोड में दिखाएंगे। और यहीं पर अगर हम बात करें तो इसमें थोड़ा सा ऐसे भी नहीं दिखाया कि बिल्कुल सुपर हीरो बन गए तो अब इसे कुछ काम नहीं करना पड़ेगा। इसमें इसकी फैमिली दिखाई और जो कि फैमिली इससे शी-हल्क से काम भी करवा रही है। भाई बिल्कुल जो सिंप्लिसिटी बोली जाती है वो इसमें दिखाया है, शी-हल्क से काम करवाई जा रही है। और भाई इसमें घूम फिर करके एक अंकल कहीं से भी आ जाते हैं जो कि हॉकाई के बारे में बात करते हैं कि भाई जो वो इतने तीर चलाता है वो वापस लाता कौन है या उसके पास वापस तीर आते कैसे हैं। तो भाई इसका बात का जवाब तो मुझे भी नहीं पता, आपको पता हो तो कमेंट में बता देना। अगले एपिसोड में देखना होगा कि अबोमिनेशन वहाँ पर कैसे पहुँचा, वोंग उसको कैसे लेके गए। तो देखते हैं अगले एपिसोड में क्या होगा। बाकी अगर हम बात करें जो इसमें रिपोर्ट्स आ रही थी बैनर की तो वो उतना ही दिखाया थोड़ा सा। बाकी रिपोर्ट ये आ रही है कि हल्क के ऊपर एक अलग ही वेब सीरीज लगती है, मार्वल के पास ऑफिशियली राइट आ चुके हैं। सेकेंड एपिसोड की मैं बात करूँ तो अच्छा था भाई, लिटरली छोटा एपिसोड था बट अच्छा था। लेकिन हाँ उसमें तो वहाँ पे जो सीजीआई की बात करें तो जो एक्ट्रेस है यार वो अपनी तरफ से पूरा 100% काम कर रही है और भाई दिख भी रहा है। लेकिन जब वो हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं तो भाई थोड़ा सा उतना अच्छा लग रहा है शी-हल्क में जब वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है। लेकिन जब हम वो चलती हैं बात करती हैं तो ऐसा लगता है कि कोई रोबोट बात कर रहा हो से है ऐसा। बट लिटरली यार कुछ सीजीआई के ऊपर अभी भी इतना अच्छा काम नहीं किया मार्वल वालों। भाई थोड़ा सा टाइम दे देते यार अपनी टीम को कि वो सीजीआई को थोड़ा सा इम्प्रूव कर सके। हाँ बाकी इसमें अगर हम हल्क के एक्सप्रेशन की बात करें तो वो थोड़ा बहुत बेटर था, वो अच्छा था। भाई सच में अच्छा था। बाकी आज की वीडियो यहीं तक की थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।